एक बड़ा खूबसूरत वाक्या है जिसमें हमारे लिए दर्स भी है और कुछ अहम चीजें भी हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक मर्तबा कहर पड़ गया। आप अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के हुक्मरान थे और मुल्क के अंदर कहर पड़ गया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कहर के जमाने में कसम खाई कि खुदा की कसम, मैं लजीज खाना और घी वाला खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरी रियाया यानी मेरे मुल्क के लोगों को वही खाना दस्तियाब ना हो जाए। चुनाचे एक अरसे तक सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई लजीज खाना ना खाया। ये बेसिकली इस्लामी सोच है, ये एक सच्चे मोमिन की सोच है कि वो दूसरों का भला चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से बड़े खूबसूरत फरामीन है। आपने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब ली अखीही मा युहिब ली नफ्सिही। तुम में कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये जो वाकया और हदीस मुबारक अर्ज की है, इसके बयान करने का मकसद ये है कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, जैसा कि हम में अक्सरियत जानती है। कोरोना वायरस से जो इसमें जो एहतियातें हैं वो ये हैं कि चेहरे के ऊपर मास्क रखा जाए। मास्क हमारी मार्केट में, हमारे यहां कराची में और दीगर शहरों में इसका जो पैकेट है ये 250 रुपए का, 200 रुपए का मिलता था। लेकिन जैसे ही ये मर्ज फैला, बल्कि फैला नहीं, सिर्फ उसकी इत्तला आई कि हमारे मुल्क के अंदर ये मर्ज फैल सकता है या चंद एक मरीज सामने आए और मास्क की जरूरत लोगों को पड़ेगी, तो नफा कमाने के लालच में दुकानदारों ने यह किया कि वो 200-250 रुपए वाला पैकेट जो है वो 1800 रुपए, 2000 और 2500 रुपए के अंदर बेचना शुरू कर दिया। अफसोस कि एहसास हमारे लोगों के दिलों से कैसा खत्म हो चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो क्या आप अपने लिए यही पसंद करते हैं कि जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो दुकानदार आपको 10 गुना महंगा करके चीज दे, 15 गुना महंगी करके चीज दे, 20 गुना महंगी करके चीज दे? ऐसा ना करें, हमारे दीन की यह तालीम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। अगर हम अपने भाइयों की मदद करेंगे, अपने वतन के लोगों की मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। हम समझते हैं कि हम लोगों को तकलीफ में डाल के, तंगी में डाल के हम सुख में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम दूसरों को तंगी में डालेंगे तो खुद भी तंगी में पड़ जाएंगे, और दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमाएगा। याद रखें, ये थोड़ा बहुत नफा इसकी खातिर हम लोगों को तंग कर दें, परेशान कर दें, ये रवैया इस्लामी एतबार से, इंसानी एतबार से और अखलाकी एतबार से गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक याद रखें और आप यकीन कीजिए, आप इस पे अमल करें, आप इस मरज से महफूज रहेंगे जिसके अंदर आप लोगों की मदद कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करता है। तो हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। ऐसा ना हो कि हम इस तरह के किसी मौके पे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे इस तरह की बीमारी से और वबा से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मुसलमान भाई के लिए तंगी पैदा करें,
मास्क बेचने में, दवाई बेचने में, वैक्सीन के अंदर और चीजों के अंदर हम दूसरों के लिए तंगी पैदा करें तो अल्लाह ताला हमें उठा के उसी मुसीबत के अंदर और उसी बीमारी में डाल दे जिसके अंदर हम लोगों को तंग कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी दुनिया का भी सोचें और उससे ज्यादा अपनी आखिरत का भी सोचें। अल्लाह ताला हमें सच्चे मुसलमान वाले अखलाक अता फरमाए, जैसे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने किया कि कौम मुश्किल में आई तो आपने खुद भी लजीज खाना छोड़ दिया। अल्लाह ताला हमें ये इस्लामी सोच अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।